कहते हैं इस देश से अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना वीआईपी कल्चर और अफसरशाही यहीं छोड़ गए। देश भर में रोज ऐसे मामले हमें देखने को मिलते रहते हैं। कुछ ऐसा ही वाक्या देखने को मिला राजस्थान के अजमेर शहर में, जहां एक आईपीएस अफसर की विदाई पार्टी में होटल कर्मचारियों और अफसरों के बीच जमकर लात घूंसे चले। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने कुछ समय पहले आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे, जिसमें अजमेर सिटी के अंदर तैनात सिटी एडिशनल एसपी सुशील बिश्नोई का ट्रांसफर नवगठित जिले गंगापुर सिटी में ओएसडी पद पर किया था, जिसकी विदाई पार्टी उन्होंने जयपुर रोड स्थित होटल मकराना राज में रखी थी। इस पार्टी में अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त आईएएस अफसर गिरधर भी शामिल थे। होटल स्टाफ से किसी बात पर कहासुनी होने के बाद जरा सी बात मारपीट में बदल गई। आपको बता दें, ये मामला 11 जून की रात 2 बजे का था। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने दोनों अफसरों को सस्पेंड कर दिया। हालांकि इसमें आईएएस गिरधर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के आयुक्त थे, उनके भी इसमें शामिल होने की खबरें थी। आईएएस और आईपीएस के साथ गेगल थाने के एएसआई रूपाराम, कांस्टेबल गौतम, मुकेश यादव, टोंक के कांस्टेबल मुकेश जाट और टोंक जिले में तहसील के कनिष्ठ सहायक हनुमान प्रसाद, टोंक पटवारी नरेंद्र सिंह दहिया को भी सस्पेंड किया गया है। कुछ दिनों पहले ही आईपीएस अफसर सुशील बिश्नोई को राज्य सरकार ने ओएसडी बनाया। इससे पहले वे एडिशनल एसपी सिटी अजमेर के पद पर तैनात थे। रविवार को शहर के एक रेस्टोरेंट में उन्हें विदाई पार्टी दी गई। पार्टी के बाद वे होटल में साथ खाना खाने पहुंचे। होटल मालिक महेंद्र सिंह ने सुशील बिश्नोई पर आरोप लगाया है कि सुशील बिश्नोई ने अपने 4-5 साथियों के साथ प्राइवेट गाड़ी में होटल आए थे। होटल के बाहर बनियान में बैठे कर्मचारी से पूछा कि यहां कैसे बैठे हो। उसने कहा कि होटल का स्टाफ हूं, सोने जा रहा हूं। इसके बाद आईपीएस ने उसे थप्पड़ मार दिया। महेंद्र सिंह के अनुसार रात करीब 2:30 बजे के आसपास आईपीएस सुशील कुमार, एएसआई रूपाराम पुलिस कर्मियों के साथ होटल पर आए। उन्होंने होटल कर्मचारियों से मारपीट की। इस दौरान वो लाठी डंडों से लैस थे। बता दें कि होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी फुटेज होटल मालिक ने पुलिस को भी उपलब्ध करवाया है। सीसीटीवी में आईपीएस सुशील बिश्नोई दोस्त के साथ ही वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मी मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना से राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर समाज के द्वारा मंगलवार को आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को ज्ञापन दिया गया। समाज के लोगों ने इस पूरे मामले में आईपीएस सुशील बिश्नोई और अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की थी। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजपूत समाज के द्वारा शिकायत दी गई है। गेगल थाने के पुलिसकर्मियों और आईपीएस अधिकारी पर मारपीट का आरोप है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रेंज आईजी को भी जानकारी दी गई है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके बाद ये कार्रवाई होगी। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आईपीएस सुशील बिश्नोई पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।